तो दोस्तों आज अपने कंपेयर करने वाले हैं गूगल पिक्सल 4 और रेडमी K20 प्रो को। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि गूगल पिक्सल 4 का जो प्राइस है वो है 57,190 रुपये और रेडमी K20 प्रो का जो प्राइस है वो है 26,280 रुपये। तो दोस्तों अपने इनको दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं कि किस स्मार्टफोन के अंदर सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं, वो भी कम प्राइस में या फिर ज़्यादा प्राइस के अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल पिक्सल 4 के अंदर आपको डिस्प्ले साइज़ है वो मिल जाता है 5.7 इंचेस का, और जो रेडमी K20 प्रो है वहाँ पे आपको जो डिस्प्ले साइज़ है वो मिल जाता है 6.39 इंचेस का। तो दोस्तों इन दोनों की जो PPI है वो अलग अलग है। यहाँ पे गूगल पिक्सल 4 के अंदर आपको मिल जाता है 443 PPI और रेडमी K20 प्रो के अंदर 403 PPI का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों इन दोनों के अंदर जो प्रोसेसर लगाए गए हैं वो सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हो सिंगल प्लस ट्राई प्लस क्वाड कोर यहाँ पर गूगल पिक्सल 4 के अंदर है, और रेडमी K20 प्रो के अंदर भी सिंगल प्लस ट्राई प्लस क्वाड कोर है। दोस्तों यहाँ पे जो रैम है वो गूगल पिक्सल 4 के अंदर 6 GB है और रेडमी K20 प्रो के अंदर भी 6 GB रैम आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो स्टोरेज है वो गूगल पिक्सल 4 के अंदर आपको 64 GB और रेडमी K20 प्रो के अंदर आपको 128 GB देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो कैमरा है गूगल पिक्सल 4 के अंदर 12.2 MP प्लस 16 MP का आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा, और जो वहीं साथ ही साथ यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है वो 8 MP का आपको गूगल पिक्सल 4 के अंदर देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो रेडमी K20 प्रो के अंदर आपको 48+30+8 MP और जो फ्रंट जो कैमरा है वो 20 MP को आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों गूगल पिक्सल 4 के अंदर आपको 2800 mAh की बैटरी और रेडमी K20 प्रो के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में अपने यहाँ पे देख लेते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको गूगल पिक्सल 4 के अंदर 10 यानी कि क्यू आपको देखने को मिल जाएगा, और रेडमी K20 प्रो के अंदर आपको 9 पाई यहाँ पे मिल जाएगा। जो कस्टम UI है वो आपको सिर्फ रेडमी के फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगी, यहाँ पे गूगल पिक्सल के अंदर जो है स्टॉक एंड्रॉयड आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो सिम स्लॉट है वो गूगल पिक्सल 4 के अंदर सिंगल सिम है, और जो रेडमी K20 प्रो है वहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ अपने और यहाँ पे देख लेते हैं जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको गूगल पिक्सल 4 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रेडमी K20 प्रो के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो क्विक चार्जिंग है वो आपको गूगल पिक्सल 4 के अंदर फास्ट मिल जाएगी, और रेडमी K20 प्रो के अंदर आपको क्विक चार्जिंग 4.0 यानी कि 58% आप 30 मिनट के अंदर इसको चार्ज कर सकते हो।